देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 6 जनवरी 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 3,350 नए मामले, मौत एक और 236 रिकवरी दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 10,994 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 14,073 नए मामले सामने आए हैं। 6,438 रिकवरी हुई है। 17 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 33,042 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 1,796 नए कोविड मामले, 44 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामले 4,434 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 2,176 नए कोरोना के मामले, 176 रिकवरी, कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामले 6,059 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,520 नए मामले, 209 रिकवरी और 1 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 6,168 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 591 नए मामले सामने आए हैं, 196 रिकवरी हुई है और 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,326 है। नंबर सात, कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 4,246 नए मामले सामने आए हैं, 362 मरीज ठीक हुए हैं और 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल सक्रिय मामले 17,443 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 505 नए कोरोना के मामले, 159 रिकवरी दर्ज की गई है। इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,000 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना के 4,862 नए मामले सामने आए हैं, 688 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोविड के सक्रिय मामले 16,577 हैं। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 73 नए कोरोना के मामले आए हैं, 9 रिकवरी दर्ज की गई है और कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 278 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 1,002 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कोरोना से 46 लोग ठीक हुए हैं, 1 मौत हुई है। सक्रिय मामले 3,718 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 434 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 102 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,848 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,883 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 48 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 5,016 हैं। नंबर 14, केरल में कोरोना संक्रमण के 4,801 नए मामले सामने आए हैं, 1,813 रिकवरी हुई हैं, 258 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 23,607 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 594 नए कोरोना के मामले, 1 मौत और 78 ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 1,544 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 3,351 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 244 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामले 10,990 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 374 नए मामले सामने आए हैं, 16 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,216 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 268 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,659 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 184 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई। सक्रिय मामले 3,698 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,216 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 38 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 3,896 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 83 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामले 278 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,538 नए मामले सामने हैं, 5,331 रिकवरी हुई हैं और 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामले 91,204 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,036 नए मामले सामने हैं और 51 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 5,158 है। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,665 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, 2,249 रिकवरी हुई है, कोरोना से 8 मौतें हुई हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 23,307 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामले 75 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 229 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 63 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 665 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 418 नए कोरोना के मामले, 140 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,819 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामले 145 हैं। नंबर 29,
मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 502 नए मामले सामने हैं। इस दौरान 91 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। सक्रिय मामले 2572 हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 90,928 नए केस सामने आए हैं, वहीं 325 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2630 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।